जय हिंद साथियों। एक तरफ पहले ही सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक के चलते देश भर के लाखों युवा परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर अब सरकार ने सेना में 3 साल के लिए भर्ती योजना शुरू करने की बात कहकर इन युवाओं की परेशानी को और अधिक बढ़ा दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर आंदोलन को लेकर भी कई मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वास्तव में अगर युवा अपना हक चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो युवा आर्मी की तैयारी करने वाले हों, चाहे एयरफोर्स की हो, या फिर चाहे नेवी की तैयारी करने वाले युवा हों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इस आपसी बंटवारे को ही ख़त्म करना होगा कि हम तो आर्मी वाले हैं, हम एयरफोर्स वाले हैं, हम नेवी वाले हैं। देखिए साथियों, इस टॉपिक पर हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में कुछ बताते हैं, जिसे अब अग्निपथ प्रवेश योजना के नाम से जाना जा रहा है। वैसे तो इसको लेकर पूरी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। कोई बता रहा है कि इसमें ऑफिसर्स की भर्ती होगी, तो कोई यह दावा कर रहा है कि इसमें जवानों की भर्ती होगी। यानी तरह तरह की बातें अभी तक सोशल मीडिया पर इसको लेकर सामने आई है। क्या है और हमें जो जानकारी मिली है उससे यह पता चलता है कि पहले सरकार TOD के तहत 1000 जवान व 100 ऑफिसर्स की भर्ती करने वाली थी, लेकिन अभी सरकार अग्निपथ प्रवेश योजना के तहत सिर्फ सेना में जवानों की भर्ती करने का प्लान कर रही है। जो जवान भर्ती किए जाएंगे उनमें से 25% को 3 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं जो शेष जवान बचेंगे उनमें से 75% को 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी उन्हें 5 साल कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद 5 साल के बाद में फिर उनमें से 25% को रिटायर कर दिया जाएगा, और जो फिर बाकी जवान बचेंगे उन्हें आर्मी में परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए साथियों, यह जानकारी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले से अभी सामने आई है। हालांकि इस बारे में अभी सरकार या सेना की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अग्निपथ प्रवेश योजना को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह योजना न तो देश के हित में है और न ही यह युवाओं के हित में है। इसी कारण इस योजना का नाम सामने आने के बाद से ही देश भर में युवा इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं अकेडमी संचालकों को लेकर भी एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अकेडमी संचालक चाहे वो आर्मी की तैयारी कराते हों, चाहे एयरफोर्स की या फिर नेवी की, उन्हें भी अब एक साथ आना ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि इस बार दिल्ली आंदोलन में हुआ। दिल्ली आंदोलन में दरअसल हुआ यूं कि जो अकेडमी संचालक थे वो खुद आपस में 2 ग्रुपों में बंट गए, और वो युवाओं की लड़ाई लड़ने की जगह आपस में लड़कर ही वापस लौट आए। फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है साथियों, वो ये है कि दिल्ली में एक बार फिर बड़ा धरना प्रदर्शन होने का ऐलान किया जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में युवाओं से शामिल होने का भी आह्वान किया जा रहा है। इसको लेकर अकेडमी संचालकों से संपर्क किया जा रहा है और धरने प्रदर्शन को लेकर जो प्लानिंग है उस पर काम चल रहा है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, और हाँ, फर्जी अकेडमियों से बहुत दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।